आज वेडनेसडे 19 अक्टूबर 2022 हम लोग जा रहे हैं जी देखने के लिए मौला जट। ये जनाब हमारा ट्रेन स्टेशन लोकल हैरल्डवुड। ये जी हमारी ट्रेन आ चुकी है लेकिन हम लोग उतरेंगे स्ट्रैटफर्ड लिवरपूल स्ट्रीट से पहले ही, तो वहाँ पर है व्यू सिनेमा और वहाँ पर हम देखेंगे जनाब आज मौला जट। काफ़ी तारीफ सुनी है इस फिल्म की एंड लेट्स सी, पाकिस्तान की पुरानी तो देखी हुई है। ओ यस, हाँ हाँ हाँ, गुड डायरेक्टर बिलाल लाशारी। हम लोग स्ट्रैटफोर्ड आ चुके हैं, स्ट्रैटफोर्ड, और हम लोग जाएंगे वेस्टफील्ड स्ट्रैटफोर्ड सिटी। I shoot you, you shoot me. क्या है मेरी जान? लालिको, क्या? बोला ना। आसिफ आ रहा है। So we are watching the Legend of Maula. Starts in 7 minutes. सात मिनट में स्टार्ट हो रही है मूवी। आसिफ ट्रेन में है? ओके, ट्रेन लेके से तो उतरी पहुंच गई। हम लोग सिर्फ अपने एक आदमी का इंतजार कर रहे हैं जी, आसिफ का। जी आसिफ भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। चलें जी, फिल्म स्टार्ट हो गई है। चलें जी, हम वीडियो को फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं और फिल्म देखने के बाद आपको बताएंगे कि फिल्म कैसी थी, आपको उसका हम रिव्यू बाद में देंगे। जी हमारी स्क्रीन नंबर 12, इट्स स्क्रीन नंबर 12। आपको कैसी लगी फिल्म? ये फिल्म वाज नॉट बैड, अच्छी थी।
क्योंकि आपको कैसी लगी है? हाँ ठीक है, थोड़ा वॉयलेंस था, लेकिन ये है कि डायरेक्शन वगैरह और स्टंट्स फाइट्स वगैरह। हाँ जी, आपको कैसी लगी जी फिल्म? आपको गुड मूवी डायरेक्शन वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज, यू नो, क्योंकि एक रीमेक था वो उसी जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था उसको कैरी ऑन किया एक मॉडर्न वे में। ज़बरदस्त मूवी थी, आई थिंक एक बार देखनी चाहिए। चलिए हाँ, एक बार देखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बाकी कुछ क्रिसिस की कोई मौला जट और ख़ास तौर पर ये जो नूरी नाथ, हमजा बासी और फवाद खान, ये रोल पे रोल में परफेक्ट सूट किए हैं। हाँ हाँ, और मेरा ख्याल है कि हमजा अली बासी की करेक्टर्स ने डिसअपॉइंट किया बीच में। हाँ, थोड़ा एक्शन का प्रॉब्लम था, बट ओवरऑल यू नो इट वाज अ गुड और हाँ, सबको एक बार देखनी चाहिए। हमजा बासी ने अपने रोल के साथ जस्टिफाई किया उसने। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा, अब चूंकि इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, इस तरह की मूवीज बनेंगी तो अच्छा इमेज भी बिल्ड अप बिल्कुल आएगा। जी आसिफ, आप क्या कहते हैं? यार मूवी जो तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर एक्सपेक्टेशन ये रखी जाए कि आज के ज़माने के हिसाब से तो बहुत अच्छी था, क्योंकि रीमेक था, उसी कॉन्सेप्ट को रीमेक किया गया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टोरी से इख्तलाफ किया जा सकता है, इतने ज़्यादा भरपूर एक्शन से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, बाज़ लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जैसे हमजा अली बासी एक्सलेंट एक्टिंग की, गोहर रशीद की एक्टिंग भी अच्छी थी, नैयर उजाज की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मायरा खान ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आई थिंक शी नीड्स टू इम्प्रूव, वो एक ही स्टाइल हर जगह पे, शी इज़ ओवर हाइप, ट्रू, शी नीड्स टू लर्न एक्टिंग। नाम से काफ़ी काम कर लिया उन्होंने, अब उनको कुछ काम भी करना चाहिए, कुछ काम भी करना चाहिए, बहुत ओवर था बस, लेकिन फिल्म का तो अच्छा लगा, फिल्म अच्छी अच्छी चले, ठीक। हाँ चले ठीक है जी, तो इट वॉज अ गुड नाइट आउट, गुड नाइट आउट, और हाँ वेस्टफील्ड भी बंद हो चुका है और हमने शो भी 9 से 12 वाला देखा है। अब हम अपने टांगे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा टांग तो ठीक है जनाब, इट वॉज अ गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक हो गया, चलो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।